डॉक्टर साहब नमस्कार। कबूतर जिंजान चैनल देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों काफ़ी लंबा समय हो गया वीडियो नहीं आ पाई थी। बहुत भाइयों के मेरे पे फ़ोन और व्हाट्सअप आ रहे थे कि कबूतर हमारे बीमार हो रहे हैं सर्दी के मौसम में, एक वीडियो बनाएं और बताएं कि किस तरीके से हमें कबूतरों की देखभाल करनी है। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हम अपने कबूतरों को किस तरह की देखभाल करें, क्या देख रेख रखें और किस टेम्परेचर में उन्हें रखें ताकि वो बीमार ना हो, और यदि बीमार हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरीके से हम प्रॉपरली उनका इलाज करें, तो आज मैं बताऊंगा इसमें। देखिए जब सर्दी के मौसम में सबसे जो मेंटेन रखना है हमें पक्षियों को वो है उनका टेम्परेचर। जैसे जैसे सर्दियां हमारी बढ़ती हैं पक्षी स्ट्रेस में जाता है और धीरे धीरे वो बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब सर्दियां बढ़ जाए तो अपने पक्षी को इस समय का जो टेम्परेचर है 28 और 27 डिग्री के बीच में हम अपने पक्षियों को रख सकते हैं ताकि उनको प्रॉपरली अंदर गर्मी बनी रहे। उसके लिए आप अपने लॉफ्ट के अंदर 100 वाट या 200 वाट का बल्ब लगा सकते हैं ताकि प्रॉपर उन्हें गर्मी मिलती रहे। उनका जो फीड है, जो दाना हम लोग दे रहे हैं, उसमें ओलिया चीज़ की मात्रा ज़्यादा रखें ताकि उनके शरीर में गर्मी का टेम्परेचर बना रहे। तो प्रॉपरली उनको जो है दाना ओलिया मिलेगा तो उनके शरीर में गर्मी बनी रहेगी जिससे कबूतर कम बीमार होंगे। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सफाई, क्योंकि सर्दी के मौसम में धूप कम निकलती है, जो अंदर की जो बीटें होती हैं हमारे कबूतरों की वो जल्दी से सूख नहीं पाती हैं, और जब सूख नहीं पाती हैं तो बाहर से जब सर्दी और हवा जब अंदर जाती है तो उसमें से जो हवा के साथ साथ उनकी बीटों की जो गर्मियाँ हैं वो अंदर जो है गैस बनाती है, इससे भी हमारा कबूतर बीमार होता है। तो आप जो हैं कबूतरों की जो बीटें अंदर गंदगी हैं उनको साफ़ रखें, उसमें लकड़ी का या चावल का बारूदा डालकर रखें ताकि अंदर गंदगी ना फैले। यदि इन सब चीज़ों की हम प्रॉपर देखभाल रखेंगे तो हमारा कबूतर बीमार नहीं होगा। और इसी के साथ साथ कबूतरों की समय समय पर अगर डिवार्मिंग करेंगे तो डिवार्मिंग से भी 60% जो रोग हैं वो जो हैं हमारे पक्षियों के ख़त्म हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में यदि हमारा कोई पक्षी अचानक से बीमार हो जाए तो उसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, जब पहले पक्षी को पकड़ें उसका पोर्ट चेक करें ताकि वो टाइट तो नहीं है। यदि उसका उसका जो पोर्ट है वो बिल्कुल फ्रेश है और वो दाना वगैरह थोड़ा बहुत खा रहा है और एकदम से अपना वेट लूज करता है तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट चीज है वो है इंड्रोफ्लोक्सासिन। यदि हमारे स्वस्थ पक्षी हैं और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं तो इस डोज, जो बीमार पक्षी को जो डोज लगती है उससे आधी मात्रा हम अपने पक्षी को देंगे तो वो जो है बीमार नहीं होगा। जब भी हमें एंटीबायोटिक का कोर्स करना है तो लगातार 5 दिन तक करें, सुबह के पानी के पीने में दें। उसी के साथ साथ सुबह के पानी में हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे और शाम के पानी में प्रोटोन का प्रयोग करेंगे। ब्रोटोन का प्रयोग हम इसलिए करेंगे, यदि हमारी एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा लग जाती है तो उसमें हम यदि ब्रोटोन देंगे तो उनके लीवर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हमें ब्रोटोन भी साथ चलानी है। उसके बाद हेल्दी रखने के लिए पक्षियों को विमरल आती है, मार्केटिंग में अवेलेबल है, आप 1 ml आधा लीटर पानी में आप सभी पक्षियों को पिलाएं तो उनके अंदर जो विटामिन कैल्शियम मिनरल हैं उनकी भरपूर मात्रा उनके शरीर में बनी रहेगी। यदि हमारा पक्षी फिर भी बीमार रहता है, पहले उसकी कंडीशन देखिए, अगर वो सूखे की तरफ जा रहा है तो सूखे में जो हम प्रॉपरली इलाज करते हैं, अगर सूखा है, नॉर्मल सूखा है, तो उसके लिए हम
मार्केट में टैबलेट मिल जाती है, जेनफ्लोक्स, सिप्लोक्स और लिप52। जेनफ्लोक्स के 8 टुकड़े करें, लिप52 को आधा टुकड़ा और सिप्लोक्स का 8वां हिस्सा, और मेट्रोजिल की एक टैबलेट के 8 टुकड़े कर लेने हैं। सुबह में यदि पक्षी सूखे के साथ साथ हरी पानी वाली बीट भी कर रहा है तो जेनफ्लोक्स का एक टुकड़ा लें, उसमें आधी टैबलेट लिप52 और एक टुकड़ा लें आप मेट्रोजिल का। सुबह में उसको दाना ना दें, रात की जो बची हुई रोटी होती है उसकी गोलियां बनाएं उसको दें, उसके बाद ये दवाई दें। दोपहर में विमराल और लिप52 पांच-पांच बूंदें चलाएं ताकि उनको शरीर में ताकत बनी रहे। शाम को सिप्लोक्स, यदि सिप्लोक्स मिल जाए या सिप्लोक टी जेड मिल जाए, उसके 8 टुकड़े करके एक टुकड़ा देना है, कंटिन्यू 7 दिन लगातार दें, आपका कबूतर रिकवर हो जाएगा। यदि इससे भी अगर आपका पक्षी रिकवर नहीं होता है तो फिर आप समझ जाइए कि पक्षी के पेट के अंदर कीड़े हैं। उसको अच्छी डाइट देते रहें, ये प्रॉपर इलाज करते रहें, जब वो दाना खाने लगे और धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाए उसके बाद आप पक्षी की तुरंत डिवॉर्मिंग करें, और डिवॉर्मिंग करने से पहले 2 दिन आप लीवर टॉनिक चलाएं, तीसरे दिन खाली पेट उनकी डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग के बाद 4 घंटे के बाद उनको दाना पानी दें और प्रॉपरली 7 दिन तक विमराल और कैल्शियम और ब्रोटोन या लीवर टॉनिक लिप52 उनको दें। देखेंगे कि आपका पक्षी बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा और जो पहले भी अपना वेट लूज कर रहा था वो वेट भी उसका जल्दी से रिकवर होगा। मेन चीज़ है कबूतरों की बीटों पर आप नज़र रखें कि हमारा जो पक्षी है किस तरीके की बीट कर रहा है। यदि पानी वाला बीट कर रहा है या हरी बीट कर रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा पक्षी बीमारी की चपेट में आने वाला है या आ गया है, उसके अंदर वायरस प्रॉपरली पहुंच चुका है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपके कबूतर बिल्कुल फिट रहेंगे। और जो ये सर्दी के मौसम में उनको पानी, गुनगुना पानी दें, रात को पानी हटा लें, सुबह को उनको गुनगुना पानी दें और उसमें मिनरल। देखिए इन दिनों में क्या होता है कि हमारा पक्षी पानी कम पीता है तो सूखा, इस वजह से भी कबूतर सूखे की चपेट में चला जाता है ताकि उसके शरीर में पानी का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा पक्षी जो है सूखे की तरफ चला जाता है, एक कंडीशन ये भी बन जाती है। तो आप देखें कि अगर इसने दाना खाया और पानी कम पिया है तो आप सिरेंज की सहायता से, ये सिरेंज है इसके आप ऊपर वो लगा लेना, ये 20 ml की सिरेंज है, 10 ml शाम को आप जो है अपने पक्षी को पानी दे सकते हैं ताकि उनका बॉडी का बैलेंस बना रहे। तो आज मैंने आपको बताया कि सर्दी के मौसम में हम आम अपने पक्षी को किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं, उनकी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जब भी हमें एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करना है तो 5 या 7 दिन कंटिन्यू दें, उसके साथ जो है शाम को लीवर टॉनिक दें। तो आप यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पक्षी है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दाना हरगिज़ अगर बीटे हैं आपके दरबे में और ऊपर से दाना उन्होंने बिल्कुल न डालें ताकि वो दाने के साथ साथ कभी कभी उनकी जो बीटे हैं उनके पेट में चले जाती हैं, धोखे से खा लेते हैं और वहाँ जा कर के वो जम जाती हैं, उसके अंदर वो पोटे के अंदर इन्फेक्शन कर देती हैं और इन्फेक्शन के साथ साथ कबूतर हमारा बीमारी की चपेट में वहाँ से भी आ सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं और हमारे पक्षी को बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो दोस्तों आप इस तरीके से ना करें जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट करें और उनकी देखभाल करें ताकि हमारे पक्षी, हमारे बच्चे जो भी हैं और हम भी अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। तो अब मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ थोड़े से बिजी चल रहे थे। तो दोस्तों प्रॉपर इलाज कीजिए, इस तरीके से देखभाल कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।